हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये सवेरे मॉर्निंग का नज़ारा है हमारी विंडो से, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि विंडो पे जाली हमारे कैट्स के कारण लगी है। तो वो देखिए सामने जो है वो पूरा धुंध सा छाया हुआ है, मतलब जाती हुई लगता सर्दी है, फरवरी का महीना चल रहा है, जाती हुई सर्दी है, और हमारे कैट्स भी उठ के सर्दी का मज़ा लेते हैं। तो अब पहले हमारे घर के बाहर जो जगह थी, मतलब जो इससे पहले घर में रहते थे, तो बच्चे मेरे वहाँ पर बाहर निकल के खेल लिया करते थे, एक 5 मिनट या 7 मिनट इतना ही, क्योंकि लिफ्ट वगैरह के बाद सुन के वो डर जाते हैं। तो अब हम जब अभी नेक्स्ट घर में शिफ्ट होके आ गए हैं, तो उनके लिए बाहर मतलब चाली बहुत छोटी है, चाल मतलब बिल्डिंग में जो जगह है वो बहुत कम है। तो और वैसे भी कैमरे लगे हैं, फिर यहाँ और भी कैट्स वगैरह आती जाती हैं, तो किसी ने कुछ कर दिया मतलब पॉटी वगैरह कर दी तो हमारी कैट्स पे ना नाम आ जाए, तो उस हिसाब से हम उनको घर में ही रखते हैं। और लोग भी फिर बोलेंगे, किसी ने कुछ करके चला गया तो बोलेंगे कि आपकी कैट्स निकली थी उसने किया, इस कारण हम उनको घर में ही रखते हैं। तो यहाँ हमने उनके लिए जगह बना दी कि ऊपर से बैठो और मस्त में दुनिया देखो, तो वो भी उनको लगता है जगह पसंद आ गई है, तो माशाल्लाह से वो भी बैठे रहते हैं। मतलब धूप का जब टाइम होता है जब वो वहाँ नहीं बैठते, घर में सो जाते हैं, और जैसे शाम हुई तो बैठ जाते हैं, और अब अक्सर सुबह 6 बजे से हमको जगाना शुरू कर देते हैं। तो फिर यहाँ पर हम खाली थे, दोपहर से हमने घर की मतलब सफाई का सोचा, जो इनके जो बाल वगैरह लग जाते हैं रैंक में फ्रिज के ऊपर, तो मैंने हम खाना वाना खा के घर सफाई को तैयार हो गए। फिर मुझे मीठा कुछ खाना था, तो ये होती है जो एक चॉकलेट ला के रखी थी, तो वो चॉकलेट मैंने खाई, मुझे बहुत अच्छा, चॉकलेट जैली है जैली। तो मैं बता रही हूँ कि घर को मुझे साफ़ करना है और रैंक को थोड़ा घस के साफ़ करना है, तो मैं चॉकलेट खा के अपनी ताकत बढ़ा के तैयार हो गई। ये देखिए मैंने एक साथ मेरे ख्याल से 2 खाई थी कि 3 खाई थी मुझे ये फ्लोरा नन्ने, इसका नाम क्या है नन्ने? फ्लोरा है क्या? फ्लोरा नाम है उसका जैली का। हाँ, तो नन्ने से अभी मैंने पूछा, बोली फूलर फूलर। तो मैंने यहाँ इसकी छेड़खानी की कि चल उठ, अभी बहुत टीवी देख के हो गया, तो चल अपन वहाँ पर काम करते। और ये खट्टी मिट्टी लग रही थी दांत में, तो उसने मुझे ऐसे रखकर हम दोनों मस्ती करें, उसको पता नहीं था कि कैमरा मतलब चालू हो गया पीछे से, तो वो मुझे बोल रही नहीं नहीं तुम जाओ, तुम शुरुआत करो, मैं आ रही हूँ। तो मस्ती करने लगी थी, मैंने जैसे कैमरा बताया फिर वो सीधी हो गई जल्दी से कि कैमरा पीछे स्टार्ट है। फिर मैं गई और फिर मैंने काम करने की वहाँ से शुरुआत की। वैसे तो हर दिन मैं एक दिन आर से किचन वगैरह धोती हूँ अपना, लेकिन फिर इनके जो बाल हैं हमारी कैट्स के, वो पूरी जगह हर जगह मतलब जम जाते हैं, जैसे फ्रिज के ऊपर हो गया, किचन पे हो गया, कोई बर्तन पे हो गया, और रैंक है बर्तन का वहाँ, जो किचन के पास में छोटी खिड़की है एक वहाँ पर, तो हर जगह जम जाते हैं। और फिर हम तो वैसे ही आदत हो गई है कि रैंक में से जो भी बर्तन लेते हैं हम उसी टाइम मतलब धो के देते हैं, अब इतनी आदत हो गई, वरना कभी कैट्स के बाल भी उसमें जाके लग जाते हैं। तो वैसे ही मैं फिर काम कर, मैं बोली एक बार अगर बैठे रह गए हम लोग या टीवी देखते हैं कुछ भी करते हैं, तो हमको फिर बैठे ही रहेंगे, फिर काम नहीं होने वाला, शाम हो जाती है तो बेजार रहती है। हमारा क्या है कि रात का सोने का टाइमिंग जल्दी का है, तो 8, 8:30, 9, तो ज़्यादा जागे तो 10, 11, तो नींद भी आ जाती है बहुत जल्दी, और नींद आने के बाद में कोई काम सुधरता नहीं है। तो हम लोग अपना हंसी मजाक करते हुए दोनों माँ बेटी माशाल्लाह से काम में लग गए। तो फिर बस मैं वो फ्लोरा चॉकलेट, मुझे इतनी जले इतनी अच्छी लगी, मैं वही खा रही थी बार बार, क्योंकि छोटी वाली ने ला के रखी थी बहुत सारी, तो मैं वैसे ही खा रही थी। फिर वहाँ से मैं तब जो किचन पे बर्तन होते हैं वो उतार उतार के देने लगी, क्योंकि साफ़ करना था अच्छे से, और इनके बारीक बारीक बाल जो कि उड़ते हैं और पूरे घर पर छा जाते हैं। तो कई मतलब हमने अभी काफ़ी टाइम से इनके मतलब बाल वगैरह नहीं कटवाए, बाल नाखून, तो वो भी हमको करवाना है। तो वही मैं दे रही थी बर्तन उठा के, जो खाना बना था वो वाले बर्तन, और वहाँ हमारी पानी की बोतल होती है जो हम भर के रखते हैं, तो इजी होता है कुछ पकाने में डालने के लिए या पीने के लिए, तो वैसे भर के रख देते हैं हम। फिर किचन के जो रैंक है उसके सारे बर्तन वगैरह मैं निकाल के आस्ते आस्ते दी जा रही थी, और बड़ी वाली का ध्यान आधा टीवी की तरफ था आधा काम की तरफ था, तो वो भी ले लेके रखने लगी, क्योंकि मैंने बोला कि तेरे को नहीं जमेगा ऊपर चढ़ के जो रैंक को करना था, तो मेरे लिए सबसे मतलब मुश्किल बात थी कि ऊपर चढ़ना टेबल पे। तो मैंने फटाफट सारे बर्तन दिए, क्योंकि देर करेंगे उतनी देर होगी और थोड़े से भी आराम का फिर मौका नहीं मिलता,
और फिर पीठ वीठ में दर्द की शिकायत जैसे मुझे है, तो मुझे तो होता ही है, तो मेरा तो चालू ही रहता काम दुख दर्द का, वैसे कुछ नहीं, लेकिन कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा हो जाता है। तो सारा कुछ हमारा ये देखिए निकल निकाल के रखा जा रहा है। फिर मैं बड़ी मुश्किल से टेबल पे चढ़ने, मुझे बहुत डर लगता है, फिर भी मैंने कैसे भी पकड़ के, मतलब किचन को पकड़ के टेबल पे खड़ी हो गई। एक कपड़ा लिया, उसको थोड़ा सर्फ डाल के मतलब झाग सा बनाया, टॉवल काट के मैंने रखा था तो मैंने वो ले लिया और उसको झाग सा बनाया। मैंने बड़ी वाली को बोला कि मुझे झाग सा बना के दे, इसमें पानी में भिगा के उसने मुझे झाग बना के दिया, और मैं उससे, वो थोड़ा खुरदुरा टाइप है ना टॉवल, तो मैंने उससे फिर मैं रैंक को साफ़ करने लगी, मतलब जो इन लोग के बाल छोटे छोटे उसमें अटके हुए थे। तो वैसे इधर शिफ्टिंग के टाइम पे मेरी छोटी वाली ने उस घर से धो के लाया था उसको, मतलब नीचे उतार के वॉशरूम में रख के उसको धोया था अच्छी तरह, और फिर यहाँ पर अब मैंने बोला कि निकलेगा वो नहीं जल्दी, तो मैं उसको जगह पे ही पोंछ देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। साबुन वाले मैंने तौलिए से उसको अच्छी तरह मतलब साफ़ करने में लगी थी, और एक एक जगह देख के मैंने सारा कुछ साफ़ किया। ये कर ही रही हूँ मैं घर घर के लगातार, तो इस करके। और फिर उसके बाद कुछ जाले जो किचन के आसपास थोड़े बहुत जम गए थे, जैसे खिड़की पे, खिड़की है किचन के पास एक, तो वहाँ पर धूल भी हो गई थी उस पर थोड़ी, और जैसे मैं चिराग जलाती हूँ कभी, चिराग मैं वहाँ रखती हूँ चिराग को, तो किचन के ऊपर मतलब खिड़की पे रख दिया था क्योंकि उसको मुझे ठंडा करना था। मैं एक न्यू स्टील वाला चिराग ले आई हूँ, तो बाबा के लिए जलाने के लिए मैंने स्टील वाला रखा है, तो उसको मुझे जो मिट्टी का था उसको मुझे ठंडा करना था, तो मैंने उसको वो खिड़की पे रख दिया था जिससे तेल के धब्बे से आ गए थे, क्योंकि तेल तो मैं माशाल्लाह भरपूर डालती हूँ कि कभी वो नीचे भी आ जाता थोड़ा सा तो काला काला सा पड़ जाता है, तो मुझे इस करके खिड़की भी और थोड़ी सी धूल भी साफ़ करनी थी दीवारों की, किचन के ऊपर दीवारों की। पर मैं ये रैंक को मुझे बहुत मेहनत से काफ़ी टाइम तक का साफ़ सफाई करनी पड़ी, क्योंकि इस ये जाली जाली टाइप होता है ना, तो बड़ी मुश्किल से वो साफ़ हुआ, धूलदार साफ हुआ, साफ़ हुई। और फिर मैं ज़रा कैमरे में देख के अपना मतलब वीडियो बनाने लगी, फिर बचा था किचन, तो जो धूल मट्टी सारी नीचे गिरी थी तो वहाँ मैं किचन घसने लगी क्या, मैं घसी रही हूँ, तो किचन को घसा, अच्छे से साफ़ किया। ये मैंने कहा सेकंड थर्ड टाइम जल्दी जल्दी मैंने किचन साफ़ किया, क्योंकि इस बार जाला वगैरह झाड़ा ऊपर से साफ़ किया तो नीचे फिर किचन पे गिरा, तो मैंने फिर से किचन साफ़ किया अच्छी तरह से, फिर जाली धूलने में थी उसकी, और देखिए साफ़ लग रहा है ना, साफ़ लग रहा है अभी क्योंकि धूल हो रही थी, अब हम इसको जल्दी जल्दी साफ़ करने लगे। फिर मैं खुद साफ़ हुई, थोड़ा मुँह वगैरह धो के ये पीछे आराम करने की, और मैं आराम करने की सोच रही थी कि मेरा जब वीडियो ख़त्म होगा, जब मैं लेटूंगी, मैंने सोचा तो वही घर के काम में लगी थी, तो उसका वो थक गई, वो आराम करने लगी, और मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ अपनी दुमची सी चोटी, क्योंकि ये काम मेरा भी ख़त्म हो गया था, बोतल वगैरह रख के, और मुझे भी आराम करना था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।